तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है डाउट में बच्चे लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है जल्दी जल्दी में सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, उसको अच्छे से इस टॉपिक को कराया नहीं जाता है। तो मैं बेसिक से आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या है कि थीटा वन थीटा टू अपेरेंट एंगल ऑफ डीप है। सबसे पहले हम समझेंगे, चलो मान लेता हूँ, मैं बहुत बेसिक से बताता हूँ कि मेरिडियन क्या चीज़ होता है, व्हाट इज द मेरिडियन, ठीक है ना। तो मेरिडियन जो वर्ड है, बेसिकली मेरिडियन मतलब होता है यहाँ पे एक प्लेन, ठीक है ना, प्लेन। अब सबसे पहले देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब ये जो एक इमेजिनरी मैग्नेट रखोगे अर्थ के अंदर, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे होगा, और फिर मैं अर्थ को ऐसे काट दूँ तो यहाँ पर एक प्लेन जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेन जनरेट होगा, अर्थ को ऐसे काट दोगे तो ये एक हेमी स्पीयर यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, एक ऐसे प्लेन जनरेट हो जाएगा। इस प्लेन को मैं मैग्नेटिक मेरिडियन बोलूँगा, ठीक ना, समझ में आया। ये यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहे हो, ये जो प्लेन है यहाँ पर हाइपोथेटिकल प्लेन, जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से ऐसे कट किए हो, तो ये एक प्लेन है और ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझाएंगे कि ट्रू एंगल ऑफ डीप क्या होता है। ट्रू एंगल ऑफ डीप, ट्रू एंगल ऑफ डीप या सिंपली जो वर्ड है डीप किसके लिए यूज होता है, ट्रू एंगल ऑफ डीप या सिंपली जो वर्ड है डीप, ये कहाँ पर यूज करोगे या डीप का क्या मतलब होता है। तो देखो मैग्नेटिक मेरिडियन, देखो सबसे पहले एक चीज़ होती है नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जब टेंजेंट बनाओगे तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। और एक लाइन ले लो जो अर्थ के सेंटर से पास हो, और ये अर्थ के सेंटर से पास हो तो ये वर्टिकल हो गया, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन हॉरिजेंटल हो गया। तो जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन में, अगर ये हॉरिजेंटल वाली लाइन और नेट मैग्नेटिक फील्ड के जो एंगल है थीटा, वो एंगल ऑफ जो है डीप है। नहीं समझे, फिर से समझो। देखो एंगल ऑफ डीप का मतलब ये हुआ, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन को, इस प्लेन को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये एक प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है। यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं ऐसे ले लेता हूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पर टेंजेंट बना दोगे, ठीक है। मतलब यहाँ मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो ये मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसे आएगा, जिसका नॉर्थ पोल ऐसे आएगा, नॉर्थ पोल ऐसे आएगा और साउथ पोल ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ, तो पेशेंस के साथ इसको समझना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे फिर डाउट में परेशान रहोगे। तो ये जो लाइन है वो हॉरिजेंटल वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो वर्टिकल वाली लाइन है। तो हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल के साथ ये जो एंगल थीटा है नेट मैग्नेटिक फील्ड का, और किस में बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में जो हॉरिजेंटल के साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डीप या ट्रू डीप बोलते हैं, ट्रू डीप या एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, समझ में आया थीटा। अब हॉरिजेंटल ये जो कंपोनेंट है बी नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जो कि होगा बी कॉस थीटा, या इसको हम जनरली बी एच बोलते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक वर्टिकली नीचे जाएगा जो, जिसको हम बी वी बोलते हैं, बी साइन थीटा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जो है ये दोनों दो कॉम्पोनेंट हो गए, ठीक है। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बी साइन थीटा, ठीक है ना, अपान बी कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगी, या इसको मैं लिख सकता हूँ बी वी अपान बी एच, या यहाँ से मैं कॉट थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ बी एच अपान बी वी, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ इक्वेशन नंबर पर। ये सब मैं किस में किया हूँ, ये मैं पूरा मैग्नेटिक मेरिडियन में किया हूँ, लेकिन हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होता ना, यहाँ पर बहुत सारे प्लेन होता है। अर्थ को मैं ऐसे काट दिया, ठीक है ना, और ऐसे काट दिया, बहुत सारे प्लेन पॉसिबल है। तो ऐसे दो प्लेन लो जिस, जो मैग्नेटिक मेरिडियन ना हो यार, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं, कोई और प्लेन ले लो, और उस प्लेन में अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम अपेरेंट एंगल ऑफ डीप बोलेंगे, समझ में आया। देखो अब यहाँ पर मैं दूसरा प्लेन लेता हूँ, क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में। तो चलो मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, एक प्लेन है, ये एक अदर प्लेन है, अदर अदर प्लेन है, ठीक है। तो अदर प्लेन है, ध्यान रखना ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है
और ये जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है, ये हॉरिजेंटल के साथ ये जो एंगल है, दैट इज अपेरेंट डीप, अपेरेंट एंगल ऑफ डीप, ठीक है। इट इज नॉट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, सेम कहानी, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन में हो रहा था वही किसी और प्लेन में हो तो अपेरेंट एंगल ऑफ डीप होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये कहता है थीटा वन थीटा टू अपेरेंट एंगल ऑफ डीप इन टू वर्टिकल प्लेन, और वो प्लेन एक दूसरे से राइट एंगल पे है। तो समझो यहाँ पे दो प्लेन ले लेते हैं जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पर है। ध्यान रखना अभी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है भाई, ठीक है ना, ये कोई अदर प्लेन है जो एक दूसरे से राइट एंगल पे है। तो एक प्लेन मैं पी वन ले लेता हूँ और इससे राइट एंगल पे, ठीक है ना, इससे राइट एंगल पे एक दूसरा प्लेन है। इस प्लेन को मैं थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, आई कैन ड्रॉ लिटिल बिट बेटर फॉर यू। तो इस प्लेन को मैं दो प्लेन लेता हूँ मैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो चलो एक यहाँ पर मैं प्लेन ले लेता हूँ, दिस प्लेन पी वन, ये जो प्लेन है दैट इज प्लेन पी वन, और इससे 90 डिग्री पे अपने पास दूसरा प्लेन है दैट इज प्लेन पी टू। तो ये दोनों प्लेन P1 और P2 एक दूसरे से 90 डिग्री पे, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये जो प्लेन P1 है और ये जो प्लेन है, जो सामने वाला ये प्लेन आपको दिख रहा है, इसको मैं P2 बोल देता हूँ। तो अगर ऐसे दो प्लेन है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ ऐसे आएगा यहाँ पर इनके बीच, ठीक है। ये जो प्लेन ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ये है अपना मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक ना, और ये अदर प्लेन है, अदर प्लेन नॉट मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक ना, ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि ये जो, अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो इस प्लेन में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ पर मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऐसे आ रही थी, क्योंकि ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, ये दिस इज द हॉरिजेंटल, दिस इज द हॉरिजेंटल, दिस इज हॉरिजेंटल। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे ये एंगल कुछ मान लेते हैं अल्फा, जो कि ये जो बी है, तो बी का एक कॉम्पोनेंट इस हॉरिजेंटल लाइन में आएगा जो कि होगा बी एच कॉस अल्फा, दैट इज यहाँ से कुछ बी एच कॉस अल्फा, और बी एच का एक कॉम्पोनेंट, सिंस ये दोनों प्लेन 90 डिग्री पे है, तो बी एच का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा बी एच साइन अल्फा। और यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इन तीनों प्लेन, चाहे आप कोई भी प्लेन लो यार, कोई भी प्लेन लोगे तो जो बी बी होगा, बी बी उन इन सभी प्लेन के लिए सेम होगा और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी बी बी की, ठीक है। तो बी बी यहाँ पर इन तीनों प्लेन के लिए बी बी इधर आएगी, दैट इज बी बी, या यहाँ भी बना सकते हो आप, दैट इज बी बी वर्टिकल कॉम्पोनेंट, जो कि इन तीनों प्लेन के लिए सेम होगी। तो अगर मैं प्लेन पी वन, यहाँ पर तुम देखोगे प्लेन पी टू को मैं ऐसे बनाया हूँ, प्लेन पी टू अपना ऐसे है, दिस इज द प्लेन पी टू। तो ये जो प्लेन पी टू है इसमें जो ये वाली लाइन है हॉरिजेंटल है, दैट इज बी एच, बी एच यहाँ से साइन अल्फा और यहाँ से वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड तो बी बी तो अपना इधर ही आएगा, बी बी तो सेम होगा, बी बी समझ में आया, बी बी सभी के लिए सेम होगा। तो अगर यहाँ से मैं इस बी बी को यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल कुछ एंगल थीटा वन है, समझ में आया। नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज अपेरेंट एंगल ऑफ डीप फर्स्ट, अपेरेंट एंगल ऑफ डीप, ये पहला एंगल ऑफ डीप है दैट इज थीटा वन। तो अगर ये थीटा वन है तो यहाँ से मैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो रेड कलर का, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस एंगल, बी केयरफुल, दिस एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, तो वो हमें दिख नहीं रहा बट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ से टैन थीटा वन, टैन थीटा वन, ठीक है, तो यहाँ से टैन थीटा वन दैट इज पर पी बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उतना होगा जितना ये होगा बी बी, तो यहाँ से बी बी अपन यहाँ से बी एच साइन अल्फा या कॉट थीटा वन, यहाँ से कॉट थीटा वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी एच साइन अल्फा, बी एच साइन अल्फा क्या, हाँ बी एच साइन अल्फा अपन यहाँ से बी बी, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। इसी तरह से जो अंदर प्लेन था, दिस प्लेन, जो दूसरा वाला प्लेन था पी टू पी वन, उस प्लेन में अगर आ जाओगे, ये जो प्लेन था दिस प्लेन, इस प्लेन में अगर तुम आके देखोगे
तो इस प्लेन में हॉरिजेंटल वाली, ये वाली जो लाइन हॉरिजेंटल वाली थी, दैट इज इधर जो है वो जा रहा था बी एच अपना कॉस अल्फा, और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, दैट इज बी नेट मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट तीनों के लिए सेम होगा, ये दिस एंगल इज अपेरेंट डीप थीटा टू, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, ये वाला वेक्टर होगा, तो यहाँ से कॉट थीटा टू की जो वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा टू, दैट इज यहाँ से बी एच कॉस अल्फा, बी एच कॉस अल्फा दैट इज अपन बी बी, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कॉट थीटा वन, यहाँ से कॉट, ये कॉट है, कॉट थीटा वन कॉट थीटा टू, और यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकल गई थी। अब एक काम करते हैं, कॉट थीटा वन कॉस थीटा टू का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक ना, फर्स्ट स्क्वायरिंग कॉट थीटा वन का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा टू का स्क्वायर मैं कर लूँ, तो यहाँ से बी एच साइन अल्फा अपान बी बी का होल स्क्वायर यहाँ से प्लस यहाँ से मिलेगा बी एच यहाँ से कॉस अल्फा और बी बी का यहाँ से बी बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चों, तो कौन सा कॉमन आ जाए, यहाँ से बी एच अपान बी बी का होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और यहाँ से कॉट, अभी ऊपर देखो कॉट थीटा की जो वैल्यू थी वो थी बी एच अपान बी बी, तो बी एच अपान बी बी, तो ये जो वन हो गया और ये बनेगा कॉट कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू के बराबर होगा, अगर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखोगे तो कोई गलत बात नहीं है। आई होप कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया ये, और मतलब डी ऑप्शन अपना सही है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो कि टो प्लेस पे एंगल ऑफ डीप जो है 90 डिग्री पे दो हो, तो कॉट थीटा वन कॉस थीटा टू का सम जो है स्क्वायर का सम थीटा के बराबर होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना कमेंट अपनी बातें जरूर शेयर करो, और इसी क्या होता है बच्चों, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत मेहनत से लेक्चर बनाते हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।